फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप सब साथ में शेयर करने वाली हूँ क्लोविया बॉटेनिका के कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है क्लोविया बॉटेनिका के बारे में उनको मैं बताना चाहती हूँ। क्लोविया जैसे कि हम सब जानते हैं लेडीज़ इन वेयर की बहुत ही अच्छी ब्रांड है। तो उन्होंने खास करके स्पेशली लेडीज़ के लिए जो है कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हेयर केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि न्यू है। और आपको ये जो प्रोडक्ट्स है ये आपको क्लोविया के वेबसाइट पे इजीली मिल जाएंगे। सभी प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही साथ आपको मिलेगा कूपन कोड जो कि आप यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। इस वीडियो को शेयर करना लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो प्रोडक्ट है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये है क्लोविया बोटेनिका नरिशिंग बॉडी बटर विथ एलोवेरा अर्गन एंड विटामिन सी। तो दोस्तों ये जो है बॉडी बटर है एंड ये 200 ग्राम का प्रोडक्ट है। इसकी जो प्राइस है वो है 445 रुपीज़। अगर आप मेरा दिया गया कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो बॉडी बटर है आपकी स्किन को नरिश करने का काम करता है। और चलिए जानते हैं इसके बारे में ज़्यादा कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें डाली गई है क्या क्या चीज़ें नहीं दी गई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो इसके अंदर में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है टोटली वेगन है, सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, टॉक्सिन फ्री है। तो ये जो प्रोडक्ट है नेचुरल है, वेगन है एंड इसके अंदर में एसेंशियल ऑयल यूज़ करे गए हैं ताकि ये जो है हमारी स्किन को हाइड्रेट करे। तो ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। आपको मैं दिखाऊँ, ये कुछ इस टाइप से आएगा और ये प्लास्टिक का कंटेनर है तो आप इसको आराम से इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये हाइजीन पर्पस के हिसाब से काफ़ी अच्छा ये दिया गया है ये वाला कंटेनर। तो ये देख सकते हो आप बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका। जैसे कि अभी काफ़ी ज़्यादा ड्राई वेदर है, ऐसा कह सकते हैं समर्स आ गई है, बट बहुत ज़्यादा समर्स में भी काफ़ी सारी जगह ऐसे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर रहते हैं, मॉइस्चर नहीं रहता है, तो आपकी स्किन को किसी ना किसी अच्छे बॉडी बटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाला जो बॉडी बटर आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेट करता है एंड आपको ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है एंड ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट करता है। इसके अंदर में जो इसके की इन्ग्रीडियंट्स है जैसा कि मैंने आपको बताया अर्गन, तो अर्गन ऑयल जो होता है हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। विटामिन सी हमारे स्किन को ब्राइटन अप करता है। एलोवेरा हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसके जो इन्ग्रीडियंट्स है वो काफ़ी नेचुरल है एंड क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत ही मुझे पसंद आई है। तो अगर आप कोई अच्छा सा बॉडी बटर लेना चाहते हो स्पेशली फॉर समर्स तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हो, बहुत ही आपको पसंद आएगा ये वाला प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है क्लोविया बोटेनिका का 10-in-1 हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल। तो दोस्तों इस ऑयल को जो है मैं 3 से 4 बार यूज़ कर चुकी हूँ। तो इस ऑयल का जो खास बात है वो ये है कि ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। इसके अंदर में काफ़ी सारे इन्ग्रीडियंट्स है जो कि आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो सबसे पहले जो की इन्ग्रीडियंट्स है सबसे पहले वो उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर में है ऑनियन सीड, कैस्टर ऑयल, करी लीफ ऑयल एंड साथ ही साथ विटामिन ई। तो ये जो है इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो कि यहाँ पे फ्रंट साइड में मेंशन है और भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स है जो कि यहाँ पे मेंशन रहेंगे। कार्डबोर्ड की ये पैकेजिंग आएगी कुछ इस टाइप की। इसकी जो प्राइस है वो है 499 रुपीज़ एंड क्वांटिटी जो है 250 ml की क्वांटिटी है, काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी मिलती है। तो इस ऑयल को आपको किस तरह से लगाना है आगे वीडियो में मैं बताती जाऊंगी आपको, बट सबसे पहले जान लेते हैं इसके और भी जो इन्ग्रीडियंट्स है जो कि हमारे बालों के लिए हेयरफॉल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयरफॉल की प्रॉब्लम है देन आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसके जो कुछ और इन्ग्रीडियंट्स है वो है ऑनियन सीड ऑयल, सीसम ऑयल, कैस्टर ऑयल, जोजोबा ऑयल, विटामिन ई, टी ट्री ऑयल, रोजमेरी ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल। तो दोस्तों ऑनियन सीड ऑयल जो होता है वो हमारे बालों को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। सीसम ऑयल हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट करता है। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को जो होती है बालों में ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है स्कैल्प के कारण। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपके बाल ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएंगे। तो इसके अंदर में सीसम ऑयल दिया गया है उसके लिए। कैस्टर ऑयल हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हमारे हेयर की कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने में हेल्प करता है। हमारे जो हेयर फॉल होते हैं उसको कंट्रोल करता है और हमारे हेयर की क्वालिटी को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है हमारे हेयर की क्वांटिटी में। साथ ही साथ जो जोजोबा ऑयल है ये हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर करने का काम करता है, हमारे हेयर फॉल को, फ्रिजीनेस को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ विटामिन ई जो है हमारी ड्राई स्कैल्प को जो है मॉइस्चराइज करता है। जो अगर ड्राई स्कैल्प में काफ़ी बार जो होती है इचिंग की प्रॉब्लम वगैरह होती है तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। टी ट्री एसेंशियल ऑयल जो होता है डेंड्रफ वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जो है वो हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ग्रेप सीड ऑयल हमारे बालों को शाइन देता है, जो एक नेचुरल शाइन होती है बालों की वो प्रोवाइड करता है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये भी वेगन है टोटली, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स इसके अंदर में यूज़ नहीं किया गया है, आयुर्वेदिक तरीके से इसको बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका इनर पैकेजिंग। तो इस ऑयल को आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं बहुत सारा ऑयल ले लेते हैं, अपने पूरे बालों पे लगा लेते हैं। तो इस ऑयल को आपको जो है अपने स्कैल्प पे लगाना है एंड अपने टिप्स पे लगाना है, क्योंकि हमारे जो नीचे का पार्ट होता है ये बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो यहाँ पे लगाना है आपने। और स्कैल्प में आपको ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ के बालों में आपको इतना फोकस नहीं करना है। स्कैल्प अगर आपकी अच्छी होगी तो आपके जो बाल है ऑटोमेटिकली अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है, यहाँ से कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है। तो ये बहुत ही सही चीज़ है और इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में इस ऑयल को नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है। एंड उसके बाद में अपने स्कैल्प में मसाज करना है, ओवरनाइट आपने रखना है। एंड उसके बाद में मॉर्निंग में जो भी शैम्पू आपको सूट करता है उस शैम्पू से आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको वीक में कम से कम 3 बार इस ऑयल को यूज़ करना चाहिए, आपको तब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो वीक में कम से कम 3 बार आपने इसको यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों, कभी भी दिन में ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। ऑयलिंग करने से पहले आप मेक श्योर करें किसी मोटे दांत के कोम से आप अपने सारे टेंगल्स रिमूव कर लें, जितना भी उलझन है बालों में उसको अच्छी तरह से कोम कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, ऑयलिंग के बाद आपके बाल कम झड़ेंगे, गिरेंगे कम। तो इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। एंड इस ऑयल को ज़्यादा आपको नहीं लेना है, भर भर के नहीं लगाना है, जस्ट आपको इस ऑयल को अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है। तो स्कैल्प में अप्लाई करने से क्या होगा, ये आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा, आपके स्कैल्प को हाइड्रेट करेगा, आपके स्कैल्प को जो पोषण चाहिए ये वो पोषण आपके स्कैल्प को प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आपके बाल ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होंगे, ऑटोमेटिकली उनमें शाइन आएगी, ड्राइनेस कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको इस ऑयल को जो है ओवरनाइट लगा के रखना है। एंड उसके बाद में मॉर्निंग में जो भी शैम्पू आपको सूट करता है या जो भी आप यूज़ करते हो, जो भी आपके बालों के लिए परफेक्ट है आपको लगता है, तो उस शैम्पू से आप इसको वॉश कर लीजिए। और बहुत ही इजी है, दिन में इस ऑयल को लगा के मत घूमिए दोस्तों। दिन में ऑयलिंग करके आप अगर काम कर रहे हो तो उस ऑयलिंग से जो है आपके बालों को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि सारी धूल मिट्टी ऑयल में बहुत ही जल्दी आ जाती है। तो इसीलिए हमेशा रात को सोने से पहले आप ऑयलिंग करिए, जिससे कि आपके बालों में कोई भी डस्ट वगैरह नहीं आए। एंड उसके बाद में आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी हेयरफॉल वगैरह की। तो इस तरीके से आपको ऑयलिंग करनी है। तो पहले तो आपको अपने स्कैल्प में इस ऑयल को लगा के अच्छी तरह से मसाज कर लेनी है। एंड उसके बाद में जो आपके बालों का एंड होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी को नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर जो ड्राइनेस होती है बालों की वो नीचे तरफ होती है। तो वहाँ पे इस ऑयल को ज़रा सा लगा लीजिए, ताकि शैम्पू के बाद में आपके जो बाल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो। क्योंकि अगर आप पूरे बालों पर भर भर के तेल लगाते हो तो उसको निकालने के लिए आपको उतना ही शैम्पू भी लगाना पड़ता है, जिससे कि बाल और ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। तो इसीलिए हद से ज़्यादा तेल नहीं लगाना है आपको इस ऑयल को, थोड़ा थोड़ा लेके लगाना है। और जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने भी ज़्यादा भर भर के नहीं लगाया इस ऑयल को। तो अभी मैं मेरे स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कर लूँगी, ताकि ये ऑयल जो है मेरे स्कैल्प में अच्छी तरह से चला जाए। और अब जो नीचे का एंड है उस पर मैं ऑयलिंग करूँगी। और बालों को जो है आपको रगड़ना नहीं है, उनको घिसना नहीं है, उससे क्या होता है बाल और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं एंड वो और ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो अब आपको अपने एंड पे आपको अप्लाई करना है, जिससे कि स्प्लिटेंस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपके जो बाल है स्मूथ रहेंगे, आपके बालों में कोई तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको ऑयलिंग करनी है। एंड मैंने जैसे कि बताया, ओवरनाइट आपने इसको रखना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं रिकमेंड करूँगी आपको वीक में 3 टाइम्स आपको ऑयलिंग करनी है इस ऑयल से, आपको उसके 1-2 हफ्ते। तो मुझे ये वाला ऑयल एंड बॉडी बटर बहुत पसंद आया पर्सनली। और अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयरफॉल की प्रॉब्लम है, स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपको डेफिनेटली इनको ट्राई करना चाहिए। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। डिस्काउंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको इन प्रोडक्ट्स की लिंक भी मिल जाएगी। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो वहाँ से आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा लिंक्स को। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन दोस्तों, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।